ओह शिट, क्या आदिम रोजा आज इस सीट पर बैठ के वीडियो बनाएंगे या फिर से कोई ब्लॉग या स्किट टाइप बकचोदी होने वाली है? जानने के लिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर दो लाइक, नहीं तो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, श्राप लगेगा मेरा श्राप। अरे सॉरी बना रहा हूँ मैं, बैठ के आज बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, सॉरी भाई, श्राप मत देना प्लीज, प्लीज श्राप मत देना प्लीज। सो वेलकम एडिक्स टू दिस न्यू वीडियो। यस, आज से तुमको एडिक्स बोलने वाला हूँ क्योंकि अभी फाइनली 100K हिट हो गया एंड मैंने चूज कर लिया। यस, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को एडिक्स बोलूंगा क्योंकि उसमें आदि मेरा नाम भी आ जाता है और भी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, काफी डीप मीनिंग है, बट तब तक तुम गेस कर सकते हो। तो गाइस, मैं बहुत दिनों से सिंगल हूँ, मैं शायद भी हूँ, मेरे वो वाले दिन भी चल रहे हैं और मुझसे और अब सहा नहीं जाता यार। तो आज मैंने YouTube पे सर्च किया हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड MP4 फ्री डाउनलोड। बियर बाइसेप्स के 2-4 वीडियोस देखने के बाद मुझे ये चैनल मिला, मिस रानी। यस, वी नो कि ये हमें सब कुछ सिखा सकती है, एवरीथिंग देयर इज टू अबाउट कपल्स एंड लव एंड एवरीथिंग। सन के सामने अगर कोई ऐसे करके फोटो लेता है, मतलब वो लोग काफी वाइज लोग होते हैं जो कुतुब मीनार को ऊपर से ऐसे पकड़ के, आईफिल टावर को। यदि आपको अपनी लव लाइफ को लेकर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी प्रॉब्लम को हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तुम्हें बस कमेंट करना है, तो देखते हैं कमेंट में कितने लोगों को उनका जवाब मिला है। मुझे तो आपसे ही प्यार हो गया, अब हम क्या करें? ये क्या है भाई? इसको तो रिप्लाई नहीं आया यार। शिट, बिना कहे लड़की को प्रपोज कैसे करें, हाउ टू प्रपोज अ गर्ल विदाउट टॉकिंग टू हर। अब तो मेरे को बात करने की जरूरत नहीं, लाइक विदाउट टॉकिंग पड़ जाएगी, प्रपोज हो जाएगा विदाउट टॉकिंग। प्ले बॉयज ये तो करते हैं, उनको बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा लड़की अपने आप प्रपोज हो जाती है। भाई आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे किसी से अपने प्यार का इजहार करें बिना उससे बात किए। मुझे इजहार करना है बट मुझे बात करने में डर लगता है, व्हाट डू आई डू? ऐसे हो जिसे प्यार का इजहार तो करना है लेकिन मुँह से बोलना नहीं है, मतलब बिना कहे। तो ये वीडियो आपके लिए है। लो एफर्ट है, बात करने की जरूरत नहीं है और इजहार भी हो जाएगा। आई थिंक आई विल टेक इट। चलेगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए डेफिनेटली टैल्कम पाउडर सूंघ के बात कर रही है, इतना एक्साइटमेंट नहीं तो कैसे आएगा। नंबर 1, अलग नाम से बुलाए। अगर आप चाहते हो कि किसी को अपने प्यार का इजहार करना, अब बातें तो होती होंगी ना, ऑब्वियसली अलग नाम से बुलाना होता है। अगर उसका नाम सीमा है तो उसको रूपा बोल दो, कंफ्यूज हो जाएगी भाई, वो उसको समझ नहीं आएगा, वो 1 सेकंड रूपा मेरा नाम क्या था, वो ही भूल जाएगी उसका नाम क्या था। तभी ना प्यार का इजहार करना चाहते हो तो एक काम करो, सिर्फ ऐसे क्यूट नाम से बुलाओ, जैसे चिढ़ाने वाला नेम से नहीं, जैसे कि मोटी या सूखी मिर्ची, ऐसा नेम से नहीं। ए मोटी सुन, वो प्रपोज हो जाएगी एकदम, ओ आई थिंक ही लव्स मी। ए मोटी, नहीं मोटी थोड़ी बुलाना होता है, प्लीज चिढ़ाने वाले नाम से नहीं, अलग नाम से, मतलब ऐसे सीमा को नेहा बोल दो। वाह, इससे पहले मैंने कुछ और ना, वो ये देखा मैंने वही कर दिया, इनडायरेक्टली मैंने कर ही दिया ना, वो अलग नाम से बुलाओ, जैसे कि बाबू, सोना, इस टाइप का। लेकिन अगर आप इजहार करना चाहते हो प्यार का बिना बात किए तो थोड़ा क्यूट नेम से बुलाओ। मैंने उससे बात ही नहीं किया अगर लड़की से, तो मैं उसको सीधा बाबू सोना कैसे बोलूं? बाबू आपका नाम क्या है? अच्छा सोना, ऐसा नाम है आपका, आप कहाँ रहते हो बाबू? नंबर 2, हाथों पे किस करें। बात ना जान ना पहचान, ऐसे हाथ पे हाई फाई मांगी, ए हाई फाई देना, वो भी खुशी दे रही है। आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस, बट ये बोल रही है तो ट्राई करना पड़ेगा। अब देखो, ये चीज आप तभी कर सकते हो जब वो आपसे थोड़ी सी क्लोज हो। अब ऐसा नहीं कि अनजान है और जाके कर दिए ना, जूते चप्पल आपको अलग से पड़ेंगे, पूरा पब्लिक आपको पकड़ के देगी। थैंक गॉड शी सेड दैट। कंफर्टेबल है वो, तो आप कभी उसके हाथों पे किस कर सकते हो, इस तरह से वो समझ सकती है। ये बीच-बीच में सब पुलिस की गाड़ी का रिफ्लेक्शन क्यों आ जाता है? ये देखो पीछे कौन सी दवाइयाँ रखी है भाई। आई थिंक ये लव मेडिसिन है गाइस, इसने लव मेडिसिन लिया इसलिए इतने भयंकर टिप्स दे रही थी, बिना बात किए सीधा प्रपोज। भाई हायर ऑर्डर थिंकिंग दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। ओके, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिना बात किए, क्योंकि बात तो करना पड़ेगा यार गाइस, बात तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमें देखना, लड़की 2 दिन में सेट। उससे ज्यादा टाइम नहीं है यार, वीडियोस बनाने होते हैं YouTube पे। क्या हुआ दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि किसी भी लड़की को लाइन कैसे मारे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कमेंट आए कि यार लाइन मारना तो सही है पर मैं उससे बात कैसे करूँ, मुझे बात करने में डर लगता है, लड़की से बात कैसे करें। मैंने उस पर भी कल एक वीडियो बना ये 10 सेकंड में इतना कुछ बोल गई और सब मेरे ऊपर से गया। और ये इतने सारे साउंड इफेक्ट्स इसने क्यों डाले हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। 2 दिन में सेट करना है तो इतना माइंड फक तो करवाना पड़ेगा। उसके सामने कुछ जाओ, बार बार जाओ 7-8 बार ताकि कांच कौन फोड़ा, कांच कौन फोड़ा। तो दोस्तों अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो, उसे लाइन मारना चाहते हो, तो उसे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, आप अनजान मत बनो। कई बार पता है क्या होता है कि आप लड़की को अचानक से लाइन मारने लगते हो, लड़की सोचती है अनजान लड़का मुझे लाइन मार रहा है, दूर चली जाती है। ऐसे में आपको क्या करना है, उसके सामने कुछ जाओ, बार बार जाओ 7-8 बार ताकि उसके सामने आप अनजान इंसान ना हो। हाँ, लड़की के सामने चल के जाना है और बस आसपास से घूमते रहना है, लेफ्ट राइट करते रहना है। उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम उसका पीछा कर रहे हो, उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। उसको ऐसा लगेगा वाह ये तो मेरा रखवाला है, बस मेरे आसपास मुझे दिखता रहता है। तीसरा चीज आपको करना है कि उसे देखना है। जब अब आपको स्टार्ट हो रहा है लाइन मारना तो अब आप उसको देख रहे हैं, कैसे देखना, देख रहे हैं कैसे देखना, देख लिए हल्का सा स्माइल की नजरें हटा, प्रैक्टिस कर लेते हैं। बताओ कितने लोग पढ़ गए, कमेंट्स में बताइए। ऐसे आपको कितना दिन तक करना है, 3 से 4 दिन। 2 दिन में सेट करने वाला, व्हाट द फक, मुझसे झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे। 4 दिन तक मैं उसको ऐसे देखती हूँ। अब वो लड़की समझ रही है कि आप अनजान नहीं हो, पहले लाइन नहीं मारते थे लेकिन आप मार रहे हो, तो उसे ये समझ में आ रहा कि पहले सिर्फ पीछा करता था, लाइन मारना तो उसने अब चालू किया है, पहले सिर्फ पीछा करता था। ये सच में नाइस गाय है, ओनली मुझे फॉलो किया उसने 8 दिन, दैट्स इट। अब 4वां नंबर चीज आपको करना है वो है गायब हो जाना है। अब आपको 10 दिन तक करीब गायब रहना है। फक भाई, मुझे 2 दिन में लड़की सेट करनी थी, 10 दिन गायब होना है मुझे। व्हाट विल आई डू फॉर 10 डेज भाई, मैं इधर पीछा करने की मुझे आदत लग गई है, मैं 8 दिन से मैं पीछा कर रहा हूँ। ये मूवी एकदम परफेक्ट कर लिया है मैंने। अब आपको उसके सामने 10 से 12 दिन बाद आना है और फिर से उसे देखना स्टार्ट तो करना है, लेकिन उसे ऐसा रियलाइज करवाना है आंखों से ही ना, आंखों से ऐसा रियलाइज करना है कि आप उसे माफी मांग रहे हो आंखों से, जैसे कि सॉरी करके होता है ना हम अपना, ऐसे जैसे करोगे तो उसे पता क्या लगेगा कि आप उसे माफी मांग रहे हो। रैंडम लड़की के सामने जाके ऐसे खड़े हो जाओ आंखों से। She is not going to be uncomfortable at all. She is just going to be like, कहाँ थे तुम? मुझे 10 दिन से किसी ने फॉलो नहीं किया है। कितना अनसेफ फील कर रही हूँ पता है। I don't think even this is going to work out for me. 2 दिन में लड़की सेट की जगह इसमें बहुत पूरा 1 महीने का टाइम फ्रेम सेट करके दे दिया यार। इतना बड़ा स्केड्यूल नहीं चाहिए। I want 2 days. Fuck that. I want 1 day. Can you do that for me, Miss Rani? Can you do that, please? 1 दिन में पोड़ोश की लड़की से, ये पोड़ोश इधर का माइक बंद था। Anyway, हमको पोड़ोश की लड़की पटानी, तो let's get back to that. तो दोस्तों अगर आप किसी लड़की को सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में जो पड़ोस में रहती है उसे इम्प्रेस करना चाहते हो ना, तो उसे एक काम आपको करना है, फर्स्ट डे मेन डे एक ही। वो साउंड इफेक्ट बंद ही नहीं हो रहा है। उसके पास जाओ और उससे कुछ हेल्प मांगो, जैसे कि आपने उसे कुछ भी हेल्प मांगा कि यार क्या मैं तुम्हारा कॉपी ले सकता हूँ, कुछ भी, या फिर जाकर कुछ भी हेल्प मांगो। बस आपको उससे हेल्प मांगनी है। क्यों? सिंपल, आपके पड़ोस में कोई लड़की शिफ्ट हुई है, हेल्प मांगो उससे, करनी नहीं है हेल्प, डोंट हेल्प हर, हेल्प मांगो। उसका कोई सामान बोरो करना है, आप 3-4 घंटे से अपने पास रख लो, लेकिन 3-4 घंटे बाद अगर आप चाहते भी नहीं हो ना कि आप वो सामान दो, फिर भी आपको वो सामान रिटर्न करना है। यस, मैं तो सामान रख लूंगा भाई, अपना प्रॉफिट हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। सब तो मैंने जान लिया है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि मैं किसी जिम में जा रहा हूँ तो ऐसा कौन से बॉडी पार्ट्स है जिसमें मैं सबसे ज्यादा फोकस कर सकता हूँ, यू नो, टू इम्प्रेस अदर गर्ल्स, कैसा कौन सा बॉडी पार्ट है। Yes, I know आपको जानना है तब तो इस वीडियो को देखने आए हो। Yes, तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड़कियाँ लड़कों के कौन से बॉडी पार्ट्स है, कौन से अंग है। स्नूप डॉग कहाँ से आ गया बीच में? ये स्नूप डॉग कहाँ से हो जा रही है जो पहली नजर में नोटिस करती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे यार, बाद में फिर आप कोई इसको प्लीज साउंड इफेक्ट्स यूज करना सिखा दो, जो भी इसके वीडियोस एडिट करता है ना। मुझे नहीं देखना लड़कियों के ये बॉडी, लड़कों के ये बॉडी पार्ट्स में लड़कियां सबसे ज्यादा ध्यान देती है पे, बीच में स्नूप डॉग क्यों चल रहा है बीच में डा 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 डा। से नंबर 1 पर जो आता है वो है शोल्डर। है क्या दोस्तों सबसे नंबर 1 पर जो आता है वो है सोल्जर। यस, लड़कियां लड़कों के सोल्जर को ना बहुत नोटिस करती है। साला मैं यूट्यूबर क्यों बन गया, फौज में ही जाना चाहिए था मुझे तो। लड़कियों को सोल्जर पसंद है। मेरा सोल्जर तो फिलहाल रेस्ट कर रहा है, बट मैं अपने सोल्जर पे काम करूंगा। लड़कियों को सोल्जर बहुत पसंद होता है। आप कुछ भी कर लो, कितनी बॉडी बना लो, लेकिन उनके नजर जो है ना वो उसके सोल्जर पे पड़ती है, समझे। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है चेस्ट। यस, चेस्ट। आई थॉट चेस्ट इधर था, ये इधर चेस्ट को साइकोलॉजिकल रीजन है भाई। लड़कियों को लगता है कि चेस्ट यहाँ होता है, तो वो दूसरी बार भी सोल्जर ही है, बस थोड़ा अंदर इनर सोल्जर। तो मिस रानी हमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देती है, चाहे वो पड़ोस की लड़की हो या फिर आपको बिना बात किए अगर कोई लड़की पटानी है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट चैनल टू गेट टिप्स इफ यू don't want to be single for the rest of your life. If you guys like this video, make sure you subscribe to our channel. Join the addicts, join the Morting gang. Morting gang का अब तक membership levels है. Make sure you comment down ऐसी कौन सी टिप है जो आपको सबसे ज़्यादा helpful लगी.